दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बालोद में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां पति पत्नी की मौत के मामले में अब सबसे ज्यादा ग्रामीण बीमारों का इलाज चल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डायरिया की चपेट में आने से पति और पत्नी की मौत हो गई, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने अपना दम तोड़ा है। ये पूरा मामला जिले के टिकरी गाँव का है और बता दें कि इस गाँव में 100 अधिक ग्रामीणों ने डायरिया का लक्षण पाया गया है, जिनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम धनराज कुर्रे और उनकी पत्नी उर्मिला बाई बताया जा रहा है। दोनों ग्राम टिकरी के निवासी थे और दोनों का इलाज राजनांदगांव के अस्पताल में चल रहा था। इसके अलावा टिकरी गांव में 22 सितंबर से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है, जहां तकरीबन 100 से अधिक ग्रामीणों के डायरिया के लक्षण पाए गए थे और सभी का इलाज यहां अस्पताल में जारी है। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग यहां पर अपनी सतर्कता साथ ही कैंप बनाए हुए हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी के 150 सवालों में से 14 गलत है और ये कैसी परीक्षा है, इनको लेकर युवा भी परेशान नजर आ रहे हैं। 136 के आधार पर ही अब मूल्यांकन होने जा रहा है। दरअसल हमेशा विवादों में रहने वाली सीजीपीएससी अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार परिवहन उपनिरीक्षक तकनीकी भर्ती परीक्षा को लेकर है। दरअसल 1 सितम्बर को पीएससी से इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 150 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से 14 सवाल व उनके जवाब गलत मिले हैं, इसीलिए इन्हें पीएससी विलोपित कर रहा है और अब 136 प्रश्नों के आधार पर ही कॉपियों का मूल्यांकन होगा। इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों के विलोपित होने से सवाल अब उठ रहे हैं कि इसी साल राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स आयोजित की गई थी। इसमें सामान्य अध्ययन के पेपर में 100 सवाल थे और इनमें से 7 सवाल जवाब गलत पूछे गए थे। अब परिवहन उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के संशोधित मॉडल उत्तर जारी होने और कई सवालों के विलोपित होने के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि 14 प्रश्न विलोपित होने का मतलब है कि परीक्षा में 9.3% गलत सवाल पूछे गए थे। इससे साफ है कि प्रश्नों के चयन में सावधानी नहीं बरती गई। पीएससी की ओर से 15 पदों के लिए ये भर्ती अगस्त 2023 में निकाली गई थी और एक साल बाद लिखित परीक्षा आयोजित की गई। गौरतलब है कि पीएससी की ओर से कुछ साल पहले तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए जाते थे। इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब एक बार फिर से पीएससी की ओर से जल्द जारी होने से पहले संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए जा रहे हैं। इसके लेकर जानकारों का कहना है कि पारदर्शिता के लिहाज से ये अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के 7 लोगों की मौत का मामला है, जहां मृतकों में 3 महिलाएं 2 बच्चे शामिल हैं। खून की कमी, बुखार और प्रसव के दौरान इनकी जान गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 14 दिनों में पंडो जनजाति के तकरीबन 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें मृतकों में 3 महिलाएं 2 पुरुष और 2 बच्चे सम्मिलित हैं। बताया जा रहा है कि इनकी मौत खून की कमी, बुखार और प्रसव के दौरान हुई है। ये इलाका आदिवासी जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम का गृह क्षेत्र भी है। आदिवासियों की मौत पर सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति ने सरगुजा कमिश्नर जीआर चुरेंद्र और इनमें स्वास्थ्य संयुक्त संचालक अनिल शुक्ला को पत्र भी लिखा है। इनमें आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। इसके अलावा 24 अगस्त 31 अगस्त 4 सितंबर 6 सितंबर और आज एक बार फिर 6 सितंबर को ये लगातार मामले सामने आए, जहां सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष उदय पंडो ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है, जिससे लोगों की जान गई है। रामचंद्रपुर ब्लॉक में पंडो समाज के लोगों की असमय मौत से समाज चिंतित है। जसपुर में तेज बारिश की वजह से पुल और सड़क बह गया, जहां कोरबा में बिजली गिरने से किसान की मौत का मामला सामने आ रहा है, साथ ही 3 घायल हो गए हैं। बिलासपुर सरगुजा समेत कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिजली गिरने से एक किसान की जान चली गई, वहीं परिवार के 3 लोग झुलस गए, जबकि जसपुर में तेज बारिश की वजह से सोनक्यारी में बना पुल और सड़क दोनों बह गए, जिससे पंडरसिल्ली दबदरा साथ ही तालसिल्ली सहित दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। जिले में देर रात हो रही बारिश से कई नदी और नाले उफान पर है। इधर बिलासपुर, जसपुर और सरगुजा में भी सुबह से भारी बारिश हुई, वहीं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में देर रात भारी बारिश जारी रही। रायपुर में भी सुबह सुबह बौछारें पड़ी, वहीं दुर्ग भिलाई में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है और इस दौरान कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम
विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में मॉनसून की एक्टिविटी आज से अब कम होने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में मॉनसून 25 सितंबर तक पूरी तरह सक्रिय रहा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हुई और इसमें सबसे ज्यादा बारिश सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले के बरमकेला में तकरीबन 9 मिलीमीटर बारिश के तौर पर हुई है। भिलाई से खबर, जहां 16,000 घरों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, 2 माह बाद भी नगर निगम के कारनामों का खुलासा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम भिलाई चरोदा के फिल्टर प्लांट ट्रांसफार्मर में 21-22 जुलाई के दौरान जो है इस पर गाज गिरा था, जिसके कारण फिल्टर प्लांट की पानी की आपूर्ति ठप हो गई थी, जो आज तक ठप है। जलावर्धन योजना के अंतर्गत नगर निगम ने 16,000 घरों में नल कनेक्शन दिया है। पार्षदों ने इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों से सवाल किया तो जल्द ही मरम्मत कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की बात बोलकर बहला दिया गया और ऐसे में निगम के अधिकारियों ने 16 सितंबर तक किसी भी हाल में पानी आपूर्ति का आश्वासन विधायक को दिया था। अब तक पानी नलों में नहीं पहुंचा है। विधायक से झूठ नहीं बोलना चाहिए। निगम के अधिकारी पहले बोले कि ट्रांसफार्मर में बिजली गिर गई और अब बोल रहे हैं कि बन गया है, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। साथ ही इस मामले में पार्षदों ने अहिवारा विधायक राजमोहन डोमनलाल कोरसेवाड़ा से शिकायत की। ये योजना उन्होंने ही अपने पिछले कार्यकाल में लाया था। साथ ही सामान्य सभा में पानी आपूर्ति बाधित होने के मामले में अब उपनेता और नेता प्रतिपक्ष साथ ही चंद्र प्रकाश पांडे से 22 अगस्त को जो है यहां पर सवाल उठाया गया। साथ ही बात करें तो 30 साल के पानी को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज गिरौदपुरी से अपनी यात्रा की शुरुआत अब करने वाले हैं, जहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इस यात्रा का समापन रायपुर में होगा। आज से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में 27 सितंबर से कांग्रेस की 6 दिवसीय न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी से शुरू होकर तकरीबन 125 किलोमीटर की यात्रा तय करके 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन राजधानी रायपुर के गांधी चौक पहुंचेगी और इस दौरान गांधी मैदान रायपुर में विशाल आम सभा के साथ ही समाप्त होगी। बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत बाबा गुरु घासीदास के धाम से प्रार्थना और पूजा पाठ के साथ की जाएगी। दीपक बैज ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्होंने बताया कि हाल के समय में हुई हत्याओं, लूटपाट, चाकूबाजी और डकैती जैसी घटनाओं ने आम जनता में भय पैदा किया है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता जनसामान्य और विभिन्न सामाजिक संगठनों से अपनी मुलाकात भी करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से थाने में 4 घंटे पूछताछ करी गई। कहा, मैंने अपना बयान दर्ज कर दिया। सीएसपी ने कहा कि आरोपी उनके करीबी थे। बेटे और बेटी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से बीती दोपहर को भिलाई थाने में तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की गई। थाने में बंद कमरे में सीएसपी छावनी हरीश पाटिल साथ ही थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने सवाल पूछे। पुलिस ने चैतन्य का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। चैतन्य ने कहा कि उन्हें बयान देने के लिए पुलिस ने बुधवार रात 8 बजे नोटिस दिया था, वही दर्ज कराने के लिए आए थे। सवाल क्या पूछे गए इस पर चैतन्य ने कहा कि मामला विवेचना में है। चैतन्य से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूछताछ करी गई। पुलिस ने इसी मामले में बुधवार को बघेल की बेटी दीप्ति से भी पूछताछ के बाद उनका मोबाइल जब्त किया था। वही चैतन्य के थाने में पहुंचने के बाद भूपेश के ओएसडी रहे मनीष बंछोर, चरोदा मेयर निर्मल कोसरे सहित भूपेश बघेल के करीबी यहां पर थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि चैतन्य से पूछताछ के दौरान पुलिस ने तकरीबन 20 सवाल पूछे थे। इनमें से कुछ के जवाब चैतन्य ने दिए और बाकी का जवाब देने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चैतन्य और प्रोफेसर मामले में उनके संबंध, क्या आरोपी आपके दोस्त हैं, उन्हें कैसे जानते हैं, आरोपियों से क्या बातचीत हुई जैसे सवाल यहां पर पूछे गए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की 29 सितंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दरअसल 29 सितंबर रविवार को आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से मत्स्य निरीक्षक भर्ती पर एक बड़ा अपडेट आया है, जहां संचालनालय मछली पालन विभाग की ओर से ये भर्ती निकाली गई है। भर्ती परीक्षा की तारीखों और प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अब एक बार फिर से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। व्यापम की ओर से मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर को किया गया था, लेकिन इस परीक्षा को
करके अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि व्यापम ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अब आयोजित होने वाली प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा तय समय में होगी अथवा नहीं। इसके अलावा व्यापम ने दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए बीते सोमवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे। अभ्यर्थियों ने व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको अपलोड भी कर दिया था। वहीं इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दे दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभ्यर्थी उनकी प्रोफाइल में जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण से चौथे बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। सरगुजा में 3 माह की मासूम ने टीकाकरण के बाद अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के बाद जन्मे चौथे बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां सरगुजा में मंगलवार को 3 महीने की बच्ची को टीका लगा और बुधवार को उसकी जान चली गई। मौत पर सरगुजा CMHO डॉक्टर प्रेम सिंह माखो ने कहा कि बच्चे की सांस नली और गले में दूध फंसा मिला है। बिस्तरा और ब्लड सैंपल प्रिजर्व किया गया है। इसके पहले बिलासपुर में 2 और गोरेला पिंडरा मरवाही में टीका लगने के 36 घंटे के अंदर एक बच्चे की जान चली गई थी। GPM में टीके से मौत के बाद सामने जांच समिति ने खारिज कर दिया था, जबकि परिजनों ने कहा था कि रिपोर्ट झूठी बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक मैनपाट ब्लॉक के परपटिया निवासी सहत राम मझवार और फूलमती के 3 महीने की बच्ची रानी का मंगलवार को ढोड़ी टिकरा के आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण किया गया था और टीकाकरण के बाद बच्ची को बुखार आया, जिसके बाद से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। साथ की बात करें तो टीकाकरण के बाद अन्य बच्चे अभी फिलहाल सामान्य हैं। टीकाकरण में लापरवाही बरतने की बात यहां पर आरोप के तौर पर परिजनों ने लगाया। साथ ही CMHO ने कहा कि दूध फंसने की वजह से ये जान गई है। एक नई शुरुआत हो रही है रायपुर में, जहां अगले माह से 14 वार्डों में 24 घंटे पानी मिलेगा। हर मिनट में 5 लीटर पानी टैप से निकलेगा। इसके अलावा टुल्लू पंप से भी फोर्स नहीं बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजधानी के ABD यानी कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इलाके में 14 वार्डों में अगले महीने से 24 घंटे पानी मिलने लगेगा। रायपुर स्मार्ट सिटी ने पाइपलाइन बिछाने के बाद ज़्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई की टेस्टिंग कर ली है। कुछ हिस्सों में टेस्टिंग और तकनीकी काम बाकी है और इसे अगले कुछ दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। नल से हर मिनट 5 लीटर के फोर्स से पानी आएगा, यानी 1 घंटे में 300 लीटर पानी मिलेगा। इसमें ऐसी तकनीक सिस्टम लगाया गया है जो कि टुल्लू पंप से भी पानी के फोर्सेस को नहीं बढ़ा सकेगा, यानी नल से सीधे पानी खींचकर छत की टंकी में चढ़ाया नहीं जा सकेगा। ABD एरिया यानी शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाला इलाका, यह सुविधा 27,000 परिवारों यानी तकरीबन 1.5 लाख लोगों के लिए एक साथ शुरू किया जा रहा है। टुल्लू पंप से पानी खींचने की शिकायत दूर करने के लिए नल की धार को निर्धारित भी कर दिया गया है, यानी नल से एक निर्धारित फोर्स से ही पानी आएगा और इसके लिए पाइपलाइन में सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से टुल्लू पंप या मोटर लगाने पर भी पानी की धार नहीं बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक संचालित फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां पोल्ट्री फार्म में मां बम्लेश्वरी का प्रसाद निर्माण किया जा रहा था। श्री भोग प्रसाद के पैकेट पर साफ पवित्र वातावरण में निर्मित प्रसाद लिखा हुआ था। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद एक पोल्ट्री फार्म में बनाया जा रहा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा टीम ने बीते दिन राका स्थित गाँव स्थित फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी संख्या में प्रसाद के पैकेट जब्त किए हैं। इसके अलावा मांगमला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के दौरान पता चला जांच के दौरान कि तकरीबन 5,000 स्क्वायर फीट कैंपस में पोल्ट्री फार्म के साथ ही प्रसाद बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसे श्री भोग प्रसाद नाम से बनाया जा रहा था। इसकी सप्लाई मंदिर के पास दुकानों में होती है। पोल्ट्री फार्म का मालिक मजहर खान है। साथ ही बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर श्री भोग प्रसाद नाम से इलायची दाना बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम को बड़ी संख्या में प्रसाद के पैकेट मिले हैं और उस पर माता बम्लेश्वरी की फोटो भी लगी हुई है। रायपुर के नालंदा परिसर में छात्रों से मुलाकात करने JP नड्डा पहुंचे, जहां पढ़ाई तैयारियों और व्यवस्थाओं पर बातचीत की गई। BJP मुख्यालय में मंत्री और सांसदों की बैठक लेने के लिए प्रदेश स्तर पर दौरे पर हैं, जहां विधायकों की मीटिंग भी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रायपुर स्थित BJP मुख्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर पहुंचे, जहां वे मंत्री सांसदों और विधायकों की बैठक लिए, साथ ही पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा भी किए। पार्टी मुख्यालय में विधायकों सांसदों समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, CM साय, डिप्टी CM अरुण साव और विजय शर्मा भी पहुंचे। कोषाभाव
परिसर की भव्य सजावट की गई थी, जहां नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल रंगोली भी बनाई गई। इससे पहले नड्डा जो है नालंदा परिसर लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में पढ़ रहे छात्रों से मुलाकात की, साथ ही लाइब्रेरी और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नड्डा गुरुवार को रायपुर के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ की 26 ट्रेनें डेवलपमेंट के नाम पर एक बार फिर कैंसिल कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्री इसमें हलाकान परेशान होंगे। रेलवे ने डेवलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 26 ट्रेनों को एक बार फिर कैंसिल कर दिया है। इनमें ज़्यादातर ट्रेनें बिलासपुर कटनी रूट की हैं, जो कि 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक रद्द रहने वाली हैं, यानी नवरात्रि पर ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है और इसके अंतर्गत बिलासपुर कटनी सेक्शन के बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व और मध्य रेलवे में रेल परिचालन को एक और भी सुचारू और नई गाड़ियों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण लगातार किया जा रहा है।